है और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी, करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी, तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहाँ पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है, लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है, और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। सर, यहाँ ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें कह रहा है कि यहाँ मंदिर के पास पहुंचिए, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तमाम। देखिए, क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से? क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है 25,000 घंटे, 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स क्या ये पूरी थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का। FIR दर्ज की गई है विभिन्न मामलों में और मुख्यतः चार थानों के अंदर ये FIR दर्ज हुई है। एक एक FIR हमारी सिटी तावड़ू और गिछोर में भी दर्ज हुई है और कुल अब तक 116 लोगों की प्रमा फिसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं, STF भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल CIA पुलिस भी हैं और जो और IPS ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर एंश्योरिंग दी अप्रिहेंशन ऑफ दिस क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की अप्रिहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है, आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध पारित हुआ था। सर, जितनी FIR हुई है, सर जितनी FIR हुई है उन FIR में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जो जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का इस्तेमाल किया गया है। अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं, रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है इसके अंदर इसकी विषय में भी जाँच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे, जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा, अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की। नहीं, ये नंबर तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। वायरल हो रहे थे अलग अलग की वहां पर पहुंचना है, क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी, फोर्सेस कहाँ पर थे और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बिजरंगी है, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहे थे कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीजें हैं। एक अपने क्या नाम है मोनू मानेसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुंचे वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पर जिसकी वजह से भड़का है? बैकग्राउंड है जो पकड़े गए कुछ लोगों का? देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड का भी चेक, क्योंकि टाइम लगता है आपराधिक बैकग्राउंड को चेक करने के लिए, उनके हमें कई सारे पोर्टल्स के ऊपर प्लस वो जिस जगह के रेजिडेंट हैं उस थाने के भी हमें उसके रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, सभी टीमें इसमें जो हमारी CIA की भी हैं और जो STF की भी हैं वो पूरी तरह से इसमें हर हर एंगल को जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है हम आपको पूरी देखिए। ऐसा है कि अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे चाहे नाबालिग बच्चे भी हैं जिनकी भी भूमिका निकल के आएगी वो सभी गिरफ्तार। सर, आपका कहना जो आपकी आपकी, आपकी 800 लोगों की तैनाती थी, 800 आपका पुलिस बल था, नलहड़ मंदिर की जितनी वीडियोस आई हैं, हम खुद उस मंदिर के अंदर मौजूद थे,
नलहर मंदिर की एफआईआर में भी पुलिसकर्मियों ने यह लिखवाया है कि किस तरीके से खेतों के जरिए और पहाड़ी के जरिए टारगेट किया गया, मंदिर को फायर किया गया, एक तरह के धार्मिक नारे लगाए गए, और वहां पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स वहां पर मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थी? शुरुआत में बहुत गिनती के पुलिसकर्मी वहां पर थे, जहां पर इतने सारे इस यात्रा से जुड़े हुए लोग और बाकी की जनता थी, वो चारों तरफ से घिर चुके थे, और जब उन्हें निकाला गया वहां से, बहुत बाद में जाके निकाला गया, तो भी बहुत गिनती के वहां पे कमांडोस थे और बहुत रिस्क में रख के लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे देखिए ऐसा है कि अगर आप बात करें कि उस वक्त पे जो इंसिडेंट्स जिस तरह से हो रहे थे, पुलिस जैसे जैसे कॉल्स आ रही थी, आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स एज ऑफ नाउ, तो उस पे जैसे जैसे पुलिस के पास इंसिडेंट की रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्टिविटी करी, जहाँ जहाँ पुलिस संभाल पाई अपने पुलिस बल के साथ, हमारे सभी जितने भी फोर्स के DSPs थे उन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मोर्चा संभाला था, और एडिशनल फोर्स के लिए उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट प्लेस की थी, दूसरे जिलों से भी फोर्स आई थी, और इसी प्रकार से पूरे एरिया पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। आपस और में कनेक्शन जिन जगहों पे सर हिंसा हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ हिंसा हुई थी। देखिए मैं बार बार आपसे भाई ये यही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रमुख जो विषय है कि ये लोग जब जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ये किस किस प्रकार से किसके किसकी कॉल पर इकट्ठे हुए हैं, और किसने इनको मोबिलाइज किया है, और किस प्रकार से आपस में इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में आज ये कमेंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कॉल किया गया, लोगों को मोबिलाइज, तो वो तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि अब जो विश्लेषण में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कॉल की दोनों तरफ से हुई, तो ये तो जांच का विषय है ही कि कौन व्यक्ति किस किस तरह की कॉल से, जो इमोशनल किस तरह की कॉल के ऊपर जो है व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ, या वो खुद से मोटिवेटेड था, वो तो वो एक्यूज्ड की इंटरोगेशन के दौरान ही आएगा कि वो किस प्रकार से मोटिवेट होके वहाँ पर वो इस तरह की इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए शामिल हुआ। फोटो भी है उनके, तो ये पावर किसने दी थी हथियार लाने की और तलवार लाने की? और सर जिन लोगों ने हमला किया, ये अवैध कट्टे छतों पर, ये ईंटें, कैसा इंटेलिजेंस फेलियर था कि यात्रा के जब यात्रा निकलेगी तो जिन लोगों ने पथराव किया, या फिर जो अवैध कट्टे जो FIR में लिखा हुआ है पुलिसकर्मियों ने कि अवैध कट्टे लहराते हुए फायर किया गया, ऐसा इंटेलिजेंस नहीं था कि इस इलाके में इस तरीके के अवैध कट्टे और पत्थर रखकर पहले से तैयारी थी, क्या ऐसा आप लोगों को लगता है? आप ये जंपिंग द कंक्लूजन्स हैं, एट दिस स्टेज हम इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने एक अच्छी एक बढ़त हासिल की है, 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इन द वेरी फर्स्ट डे, और हमारी बाकी लोगों की पहचान जारी है। आप जान सकते हैं इसमें कहीं काफ़ी सारे लोग युवा जो है इन्वॉल्व थे, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान करनी है, और ये भी देखना है कि ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में किसी निर्दोष व्यक्ति को हम कि हम धरपकड़ करें। हमें इसमें निष्पक्ष जांच करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, और बहुत जल्दी हमें इसमें करना है। हमारी टीमें मुस्तैदी से लगी हुई हैं, और हम बिल्कुल इसके कंक्लूजन्स, जैसा कि हमने जब साइबर रेड की थी, हमने उसके कंक्लूजन्स के लिए हमने एक अलग से PC की थी, जिसमें क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले थे वो किए थे हमने, इसमें भी हम शीघ्र ही करेंगे। जैसे ही हमारे पास इसमें पूरी डेवलपमेंट क्लियर होती है, हम आपके सभी सवालों के जवाब। चार लोगों की इसमें हिंसा के दौरान मौत हुई है, जिसमें दो होमगार्ड हैं और एक अभिषेक हैं और एक शक्ति सिंह हैं, दो प्राइवेट पर्सन हैं जिनकी इसमें जो है मौत हुई है। घायलों की संख्या काफी बिल्कुल है, करीब 60 के करीब लोग घायल। ये मेरे संज्ञान में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, ये इट इज थैंक यू सर।